किसानों के लिए लाए गए बिल का किसानों ने संसद मार्ग पर विरोध प्रदर्शन किया। सरकार द्वारा किसानों को लेकर संसद में लाए जा रहे 3 बिलों का किसानों ने संसद मार्ग पर विरोध किया। इसमें मुख्य रूप से पंजाब और मध्य प्रदेश के किसान शामिल हुए। किसानों की मांग है कि सरकार इन बिलों को वापस ले, ये बिल किसान विरोधी हैं। सरकार का कहना है कि इससे किसानों को अपनी फसल सीधा व्यापारी को बेचने में मदद मिलेगी और उन्हें अच्छे दाम मिलेंगे, लेकिन किसानों का कहना है कि ये सरकार किसान विरोधी है, इससे सीधे निजी व्यापारियों को लाभ होगा, सरकारी मंडी भी समाप्त हो जाएंगी। किसानों का आरोप है मोदी सरकार किसान विरोधी है और अब तक किसानों के विरोध में 32 बिल ला चुकी है। किसानों का कहना है जिस समय कोरोना काल था उस समय किसानों ने प्रदर्शन नहीं किया, जिसका फायदा सरकार उठा रही है। अमित सिंह, दिल्ली, समाचार 24। बताइए आप आज किसके लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं? हम प्रोटेस्ट इसलिए कर रहे हैं कि मोदी सरकार ने जो 3-4 ऑर्डिनेंस लाए हैं में, वो किसान की मौत का ब्रंट है। क्यों? किसान की तो हालत पहले बहुत गरीब हो चुकी है। वो पंजाब में कितने लोग किसान अगर ये किसान लागू हो जाते हैं तो देश का किसान बच ही नहीं पाएगा। हमारी अपनी जैसे कणक और गेहूँ की खरीद का प्रबंध वैसे चल रहा है, मंडी कण कायम रहे, एमएसपी कायम रहे और जो आर्दी वर्ग वो ठीक रहे। अभी तक मोदी जी ने अपने कार्यकाल में 32 निर्णय किसान विरोधी लिए हैं, चाहे वो बोनस का हो, चाहे लैंड बुल का हो, चाहे कपास निर्यात का हो। उसी परिप्रेक्ष्य में ये जो 3 अध्यादेश हैं, ये किसानों की, इस देश के किसानों की मौत का वारंट है और इसके बाद इस देश का किसान नहीं बचेगा। आज किसान की लड़ाई जो है वो अंतिम लड़ाई, अंतिम सांसों में लड़ाई लड़ने जा रहा है। 3 अध्यादेश के बारे में आप बखूबी जानते हैं, फिर भी मैं एक एक लाइन में संक्षेप बताता हूँ आपको। पहला अध्यादेश इनका है एक राष्ट्र एक कृषि बाजार, जिसमें प्राइवेट मंडियाँ खुलेंगी। प्राइवेट मंडियाँ, किसान पर कोई सरकार का कंट्रोल नहीं होगा, उनका तौल होगा, उनका मोल होगा, उनका तौल काटा होगा, उनके हिम्माल होंगे, उनके व्यापारी होंगे। प्राइवेट मंडियों में जो माल बेचेगा, हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में एक और आगे गए, जो प्राइवेट मंडियों में परचेज करेंगे लोग, उन पर टैक्स नहीं लगेगा मध्य प्रदेश। तो ये एक देश एक बाजार में प्राइवेट मंडियों को जो मौका दिया जा रहा है किसानों को लूटने का, एक योजना बनाकर बड़े बड़े पूंजीपति इसको मंडियां खोल रहे हैं। नंबर 2, 1955 आवश्यक वस्तु अधिनियम, जिसमें जमाखोरी पर रोक लगाई गई, उस पर छूट दी गई है। अब कोई भी व्यापारी भारी संख्या में सामान परचेज करेगा किसानों का औने पौने दाम में और जनता को महंगे दाम में लेगा, क्योंकि जमाखोरी की छूट है। तीसरा अध्यादेश भाई साहब बताएंगे। अरे यार नारे लगा, अरे भाई साहब देखिए, एक मिनट डालने के बाद अध्यादेश में इन्होंने बड़ी खतरनाक बात की है। बक्सी सर को कॉल कर लो, आप आके जल्दी। विदेशी कंपनियां भारत में आएंगी और किसानों की जमीन लेंगी और पहले वो उसको बुला लेंगे, फसल का भाव गिराकर उनका ठेका गिराएंगे, उनका जो रेंट गिरा देंगे, उसके बाद वो कंपनियां जमीन लेंगी और उसकी वजह से किसानों के हाथ से जमीन खिसक जाएगी, निकल जाएगी और किसान को अपने ही खेत में मजदूर बनकर रहना पड़ेगा।